अजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत गोल्ड से ही, बताइए क्या किया जाए गोल्ड में सर? गुड आफ्टरनून जी। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो पिछले हफ्ते भी हमने देखा डॉलर इंडेक्स में कोई भी उछाल आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, 105 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, जिसका पूरा पूरा सपोर्ट गोल्ड को मिल रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट भी है जो कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट दे रही है। इंटरनेशनल में एक साइकोलॉजी बना हुआ है $1800 का, तो ये तोड़ता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है कि ईयर एंड तक हम 1830 देखे। बट जैसे आपने कहा, अभी थोड़ा पुल बैक तो बनता है क्योंकि ओवरऑल काफी बड़ी रैली आ गई, तो आज इंट्राडे के हिसाब से मुझे लगता है 5300 तक का एक पुल बैक मिले, वहां पे बाइंग करके चलो 5400-5300 तक के टारगेट देखने मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर। आप कह रहे हैं कि गोल्ड में बाइंग का मौका है, 250-300 रुपये के आसपास की तेज़ी गोल्ड में अभी है। आप कह रहे हैं कि 54-300 के टारगेट के लिए आप गोल्ड यहाँ पर बाई कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बात मैं आपसे थोड़ा सा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाह रहा हूँ अजय जी। जिस तरह से रुपया वीक हुआ उसका बड़ा इम्पैक्ट हमने देखा, डॉलर भी वीक हुआ, 104 के आसपास पहुँच गया। क्या आपको लगता है कि ये दोनों फैक्टर गोल्ड के लिए इतने मजबूत हैं कि दिसंबर के महीने में ही, जो आज की हमारी थीम है कब तक 56, ये जवाब मिल जाएगा हमें? देखिए, उम्मीद तो ऐसा ही है क्योंकि इंटरनेशनल में मुझे लगता है ईयर एंड $1840 के आसपास रहेगा। अगर कन्वर्शन भी लेके चले तो कब तक 56 तो नहीं, बट हाँ 55-200 का बैंड तो जरूर दिख रहा है। इनकेस अगर रुपए में कुछ और आता है तो बात अलग है, अदरवाइज आई एम वेरी क्लोज टू 55-500 तक का लेवल तो नियर बाय मिल जाएगा। तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड में अभी आपको करना क्या है और आगे का आउटलुक गोल्ड का होगा क्या। अब मेरा अगला सवाल आपसे होगा चांदी के ऊपर, क्योंकि आप देखिए कि चांदी में भी बहुत अच्छी तेज़ी आई है और चांदी का मार्च का वायदा इस वक्त 536 रुपये ऊपर है, 67,000 के करीब ट्रेड कर रहा है। क्या चांदी में भी आपको गोल्ड की तरह ठीक ठाक तेज़ी आगे दिख रही है? देखिए, चांदी में ठीक ठाक नहीं, मुझे लगता है जबरदस्त तेजी रहेगी क्योंकि इंटरनेशनल में आप देखिए $22 का एक साइकोलॉजिकल एक रेजिस्टेंस बना हुआ था और जिस वॉल्यूम के साथ हमने शुक्रवार के सेशन में कंटिन्यू होल्ड करके तोड़ते हुए देखा और इस वक्त भी $23 के ऊपर है, तो चांदी काफी अट्रैक्टिव लग रही है। बट जरूर यह है कि दिसंबर मंथ में हम जानते हैं कि 10 तारीख के बाद एक हॉलीडे मोड बन जाता है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग भी ड्यू है। बट प्योरली पहले रेस्ट्रिक्ट करूंगा इंट्राडे के हिसाब से, तो 66-300 तक का एक पुल बैक पॉसिबल है, वहां पर एंट्री करके चलिए 57-200 तक के टारगेट के लिए। बट ईयर एंड मुझे लगता है कि 69,000 तक का लेवल आराम से अचीव कर लेगा। सर 1,000 रुपये आपने क्यों रख लिया अपने पास, 70 कर दीजिए ठीक रहेगा। देखिए 70 का एक साइकोलॉजिकल लेवल जरूर है, बट आई थिंक चांदी मुझे जैसे हमने लास्ट टाइम पोल भी किया था 85,000 का मैंने टारगेट रखा था, बट आई थिंक 2023 में चांदी चांदी होनी है। अच्छा, 2023 में चांदी की चांदी होगी, ठीक है। अब आते हैं क्रूड पे, और क्रूड में तो आज जाहिर तौर पर खबरों का दिन है, तीन तीन खबरें। पहली खबर ये कि कल ओपेक प्लस की मीटिंग हुई, उसमें ये तय किया गया कि जो पुरानी पॉलिसी है उत्पादन की उसको कंटिन्यू रखा जाएगा, मतलब जो अक्टूबर के महीने में तय हुआ था कि रोजाना 20 लाख बैरल की कटौती होगी, उसी पर अभी कायम है ओपेक प्लस। दूसरी खबर की जो रूसी तेल पर प्राइस कैप लगा है $60 प्रति बैरल का, वो आज से इफेक्टिव है, लागू है। तीसरी खबर की यूरोपीय यूनियन ने इम्पोर्ट बंद करने का जो फैसला लिया था वो आज से लागू है रूस के तेल का समुद्र के जरिए। और उसके बाद आप देखिए कि आज शुरुआती दौर में कच्चे तेल में तेज़ी आई, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आया, अब एक बार फिर से तेज़ी बढ़ने लगी है क्योंकि मार्केट में आगे डिमांड सप्लाई के सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है क्योंकि रूस ने कह दिया है कि वो प्राइस कैप को नहीं मानेगा। तो अब रूस का कदम यहाँ से आगे क्या होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चाइना में धीरे धीरे राहत दी जा रही है लॉकडाउन में, वहाँ से डिमांड निकलने की उम्मीद आ रही है। तमाम सारे फैक्टर हैं जिसको लेकर बहुत सारे सवाल अभी बचे हुए हैं। तो अजय जी, ऐसे में कच्चे तेल में अभी करना क्या चाहिए? बिल्कुल, इवेंटफुल वीक रहने वाला है ये, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि चाइना काफी बड़ा रोल प्ले करेगा, तो आई थिंक बिल्कुल इंट्राडे के लिहाज से ही ट्रेड करके चलिए, कोई बड़ा पोजीशन एज ऑफ नाउ नहीं बनाई है, तो 66,000 के करीब मिले लेके चलिए, अपसाइड लिमिटेड रहेगा, बट 6800 तक के लेवल हम कच्चे तेल में देख पाएंगे। अच्छा ठीक है, तो आप कह रहे हैं 6800 का लेवल तो दिख ही जाएगा, इस पर आप नजर रखें, बहुत इवेंटफुल है क्रूड का मार्केट इस वक्त। अब आते हैं मेटल में, और मेटल में भी खबर वही है। आप देखिए चाइना में खबरें आई हैं कि वहाँ पर कई जगहों पर जो कोरोना के प्रतिबंध हैं वो हटाए गए हैं और उसका इम्पैक्ट हमने मेटल मार्केट में देखा है, ठीक ठाक तेज़ी आई है। क्या मेटल की रैली भी कंटिन्यू रहेगी अजय जी?
हाँ बिल्कुल, पूरे मैटर में मुझे लगता है कॉपर और जिंक ये दोनों कमोडिटी पर नजर रखिए। जैसे इन्वेंट्रीज में भी हमने देखा कि काफी लोअर लेवल्स पे है, चाहे हम एलएमई और संघाई की बात करें। दूसरी ओर चाइना ओपन अप हो चुका है, जिसकी भी डिमांड कंटिन्यू मार्केट में रहेगी। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 708 काफी की लेवल रहेगा पोजिशनली, अगर ये तोड़ता तो 725 भी दिख जाएगा कॉपर। बट इमीडिएट आज के ट्रेड सेटअप्स के हिसाब से 700 पे लेके चलिए, 708 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। जिंक ने भी काफी स्ट्रांग पुलबैक दिया है, तो 276 के करीब जिनको भी लेके चलिए, 280 का इमीडिएट टारगेट है। बट ओवरऑल मुझे लगता है ये मंथ एंड तक 720 के ऊपर कॉपर जाता हुआ दिखाई देगा और 290 के करीब जिंक जाता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो ये राय आपकी हो गई मेटल पे। आखिरी सवाल मेरा आपसे जीरे पर होगा। जीरे में बहुत अच्छी तेज़ी आ गई है और पिछले कुछ दिनों में बहुत दाम बढ़े हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या खत्म हो गई जीरा की पीड़ा, अब जीरा बन गया हीरा, तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जीरा बन चुका है हीरा। और हमने एफआईएस की जो नीमच मीट थी उसमें भी कहा था कि नवंबर के बाद मार्केट में अच्छा उछाल आएगा। आज अगर हम पॉइंट की बात करें फंडामेंटल्स की, तो चाइना डिमांड काफी बाकी है, वो अभी लाइनअप है। साथ में जो स्विंग के लिए हम देख रहे थे कि मार्केट में असमंजस बना था, बहुत जबरदस्त स्विंग होगी, वैसा दिखाई नहीं दे रहा है। जर्मिनेशन नहीं हो पा रहे हैं और री स्विंग भी कुछ जगह हुई है और डिमांड भी इंप्रूव हो रही है। तो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है जीरा अब हीरा बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। इमीडिएट हर्डल्स रहेंगे जो 25,800 26,100 के रहेंगे, बट मुझे लगता है कि 285 290 हम जनवरी एंड तक जल्द बनते हुए देख पाएंगे। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया आप अजय जी आपका ये कॉल बताने के लिए और कि कहाँ पर ट्रेड का मौका बनेगा ये समझाने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका।